अगर आप लोग अपना KYC अप्रूव कराना चाहते हैं या आप लोगों ने KYC के लिए अप्लाई किया है और वो पेंडिंग स्टेटस में दिखा रहा है बहुत दिनों से, या आप अपनी कंपनी छोड़ चुके हैं और आप अपना EPF क्लेम करना चाहते हैं, और या आपने अगर EPF क्लेम किया है तो वहाँ पे एरर आ रहा है काइंडली लिंक की और आधार, तो अगर आप ये सब चीज़ें जानना चाहते हैं तो देखते रहिए दोस्तों ये वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अक्षय कुमार, मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है टेक्निकल वेक्निकल। तो शुरू करने से पहले दोस्तों, जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ इस लाल बटन पे क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जब आप ये वीडियो प्ले करेंगे उसके नीचे एक लाल बटन दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक करें और सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, जो ऑफिशियल वेबसाइट है epfrdaportal.gov.in, और इसकी डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दी है। तो दोस्तों, सबसे पहले जिनके पास UN नंबर है वो यहाँ पे UN नंबर और पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे, जिनके पास UN नंबर नहीं है वो सबसे पहले अपना UN नंबर एक्टिवेट करेंगे। UAN नंबर एक्टिवेट करने के लिए उनको इस लिंक पे क्लिक करना है, उसके बाद अगर उनको UAN नंबर कंपनी से मिला है वो यहाँ पे डालें, या मेंबर आईडी जो आपकी सैलरी स्लिप पे होती है, आपकी PF अकाउंट नंबर वो यहाँ पे डालें, या आधार या पैन कार्ड से आप इसको जनरेट कर सकते हैं और आप पे एक नंबर आ जाएगा जो होगा आपका UAN यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। जब दोस्तों आपके पास UAN नंबर आ जाए तो आप यहाँ पे UAN नंबर और पासवर्ड डालें और यहाँ पे कैप्चा को फिल करके साइन इन कर लें। साइन इन करने के बाद आपका पोर्टल कुछ इस तरह दिखाई देगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका KYC अप्रूव हो तो उसके लिए आपको सबसे पहली चीज़, जो लोग KYC अप्रूव कराना चाहते हैं वो इस टैब में जाके मैनेज और KYC में क्लिक करें, और उसके बाद यहाँ पे वो डिटेल्स भरें किसके थ्रू वो KYC अप्रूव कराना चाहते हैं। जैसे मैंने आधार कार्ड के थ्रू भरा था, तो मैं आधार कार्ड पे क्लिक करके अपना यहाँ पे आधार नंबर और जो मेरा नाम आधार कार्ड पे है उसको लिख के सेव कर दूंगा, फिर वो पेंडिंग स्टेटस में चला जाएगा और वो विद इन 48 आवर्स में अप्रूव हो जाएगा। तो दोस्तों, ये तरीका था KYC अप्रूव कराने का। उसके बाद KYC अगर आपका बहुत दिनों से पेंडिंग है, लाइक मोर देन 48 आवर्स और 72 आवर्स से भी ज़्यादा आपका KYC पेंडिंग है, तो हम उस सिचुएशन में क्या करें। तो दोस्तों, सबसे पहले आप एक मेल लिखें अपने HR को, जिसके अंदर आप सारे डॉक्यूमेंट्स लगाएं अटैच करके जो आपने KYC के पोर्टल पर अपलोड किए हैं, और उनको मेल करें। उसके बाद जैसे ही आपका एम्प्लॉयर उसको अप्रूव करेगा, वो वहाँ पे अप्रूव्ड स्टेटस में नीचे शो होने लग जाएंगे, अप्रूव्ड KYC में आ जाएंगे, और उसके बाद आपको एक मेल पे और आपके मैसेज पे एक नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। अगर मेल करने के बाद भी आपको कोई सुझाव नहीं मिलता, उसके बाद भी अगर IC स्टेटस पेंडिंग में जाता है, तो आप उस सिचुएशन में क्या करें। तो आप उस सिचुएशन में अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर अपने ऑफिस में जाएं, जहाँ पे ये टीम बैठती है आपकी HR और अकाउंट टीम, उनको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दें, उनसे अटेस्ट करवाएं और उनको कहें कि हमारा KYC अप्रूव करें। अगर आपकी जो अकाउंट्स टीम है और HR टीम है, अगर वो दूर बैठती है, आपकी लोकेशन पे नहीं है और आपको वहाँ तक जाना फिजिबल नहीं है, तो आप उस सिचुएशन में क्या करें। आप उस सिचुएशन में एक मेल लिखें जिसमें HR और अकाउंट्स टीम को 2 में रखें, और CC में EPFRDA की गवर्नमेंट की एक ईमेल है उसको आप रखें, ताकि वो खुद एक फॉलोअप भी ले सके। और उस ईमेल के बाद मुझे लगता है कि आपके एम्प्लॉयर को आपका KYC अप्रूव करना ही पड़ेगा। अगर उसके बाद भी आपका KYC अप्रूव नहीं होता, तो आप EPFRDA के एक ऑफिशियल हेल्पलाइन हेल्प डेस्क नंबर पर कॉल कीजिए, जो मैंने अभी डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है और आपके स्क्रीन पर भी रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। जाने से पहले दोस्तों, एक ज़रूरी बात बताना चाहूँगा, अगर आपको अपना KYC अप्रूव कराना है तो उसके लिए मस्ट है आधार और बैंक डिटेल्स। ध्यान रखें, आधार और बैंक डिटेल्स बहुत ही ज़्यादा मस्ट है। अगर आपके पास पैन है और आपने इसको वेरीफाइड कराया तो वो ओके है, बट आधार ही बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, तो आधार को सबसे पहले वेरीफाइड कराएं थ्रू KYC। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा अपना KYC अप्रूव कराने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें, और इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिनको KYC फॉर्म भरना है या जिनको कोई प्रॉब्लम आ रही है। और दोस्तों, इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी वीडियोज़ आपको ऐसे ही मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।